गाइज कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। आज मैं भी निकल चुका हूँ। सुबह का टाइम हुआ है 6:30 बजे, तो आज क्लास जाएंगे। सुबह निकल चुका हूँ। एक तो ये काग पता नहीं क्यों बोल रहा है बार बार सुबह सुबह, और एक तो यार चेस्ट दुख रही है। सुबह सुबह ना खाली पेट आ जाता हूँ ना, तो चेस्ट दुखने लग जाती है। देखते हैं रास्ते में जूस वगैरह पियेंगे। जूस पीना तो मैंने कर दिया कैंसिल, क्योंकि है ना मैं घर से निकला था ना, तो हमारे साइड में पेड़ ज़्यादा है, एग्रीकल्चरल लैंड है ना, क्योंकि वो पेड़ है, फसल वसल है, और पोल्यूशन भी इतना नहीं है, तो वहाँ लग रही थी मेरे को ठंड। लेकिन नजफगढ़ एक बात है, नजफगढ़ आते आते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे इतने पेड़ है नहीं, 5 से 10% पेड़ है मैक्सिमम, और यहाँ पे गाड़ी वाड़ी चलती रहती है, पोल्यूशन भी है, तो यहाँ टेम्परेचर जो है वो लेवल में आ जाता है। लेकिन फिर भी है ना चाय पियेंगे, क्योंकि जूस पी लिया ना तो बड़ा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि मौसम भी थोड़ा ख़राब ही है। तो भाई मैंने फिर चाय बनवाई अपने लिए, एक ही बढ़िया इलायची अदरक वाली, और मैंने चाय पी फिर भाई। चाय तो पी ली थी, चाय पी के मेट्रो स्टेशन पे आ चुके हैं। पार्किंग में स्कूटियाँ, चाबी निकालना भूल गया, चाबी निकालते हैं और अब चलते हैं अपना कोचिंग जाएंगे। क्लास चल रही थी, क्लास के बाद अभी बजे 10:30, लंच ब्रेक हुआ है। ये मेरा दोस्त है पढ़ना, और भाई मची हो रखा है आज तो, मस्त मौसम हो रखा है, बारिश आ रखी है। ये अपने कोचिंग के पास मंदिर है, बच्चे लंच करने आ रखे ऊपर। ये लंच मतलब की बारिश में बैठ के क्यों कर रहे हैं, नहीं देखेगा तू? क्लास ले रहे थे, क्लास के बाद अब लंच हुआ है तो ऊपर आए हम। कौन सा, तू अपनी क्लास में बैठा था? हाँ क्लास, दूसरी क्लास में बैठे थे, क्योंकि उस वो सब्जेक्ट पढ़ना था ना मेरे को यार। और कौन ये पढ़ा रहे सब्जेक्ट? ये भाई कोचिंग है, ये कोचिंग ऐसे आते हैं भाई, ये लगा के गाने गुने सुनते हैं, पढ़ना थोड़ी है इनको। और के व्हाट इज दिस और के, तूने सिखाया है? तो भाई पढ़ाई वढ़ाई करो, कोचिंग पे आए हो तो पैसे दिए हैं तो मिल। सुबह एक चाय पी थी यार, यहीं से मेट्रो स्टेशन है पास में, ये मेट्रो जा रहे। कोचिंग से तो हम आ चुके हैं, नजफगढ़ पहुँच चुके हैं, अब अपनी स्कूटी उठाते हैं और यहाँ से चलते हैं। ये अपनी स्कूटी रही, हल्की हल्की है ना बूंदाबांदी स्टार्ट हो चुकी है। मैं जा ही रहा था घर, तो मैं अभी हल्की हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो चुकी है, और मौसम बड़ा मस्त है। लेकिन वैसे ये बूंदाबांदी खत्म हो जाए और ऐसा ही मौसम रहे, मैं जा रहा हूँ घर। ऐसे रोडों पे है ना गाड़ी चलाने में, स्कूटी चलाने में बड़ा मजा आता है, बिल्कुल साफ रोड है, हरियाली है ना, कोई टूटा फूटा रोड है, क्लीन रोड है ना, कोई पोल्यूशन है इतना। मौसम हो रखा है एक नंबर। अब थोड़ी देर उठाऊं और फिर कब घूम के आऊंगा, खेतों साइड घूम के आऊंगा, मौसम देख सकते हैं। और भाई यहाँ पे है ना, हम घर टूट चुका है बारिश खत्म होने के बाद, हम यहाँ पे घर बनाएंगे अपना। आपको लग रहा होगा ये ईंट पड़ी है, ये ईंट सारी यूज हो जाएंगी, यहाँ पे भी है, और ये भाई आम का पेड़ है, तो यहाँ पे हम घर बनाएंगे अपना। मैं और मेरा भाई खेतों साइड थोड़ी देर घूमने आ गए थे, रोड पे घूमने आते हैं भाई शाम को, बड़ी हवा चल रही है। ये खेत है मेरे घर के बाद स्टार्ट हो जाते हैं खेत, ही खेत स्टार्ट हो जाते थे। ये भाई हमारे घर से निकलते रोड है, पेड़ ही पेड़ है, जन्नत है, जन्नत में रहता हूँ। आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं जहाँ घूमने आता हूँ ना, तो यहाँ पे एक है ना खुफिया चीज़ है, ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे बहुत डरावनी डरावनी चीज़ें भी होती है रात को, ऐसा मैंने सुना है, वैसे मैंने कभी देखा नहीं यार, ये सिर्फ कहने की बातें होती है, लेकिन मैं दिखाता हूँ। मैं जब से घूमने आ रखा हूँ ना यहाँ पे, मैं देख रहा हूँ आस पास के खेतों में इतना पानी नहीं भरा, लेकिन इसी में इतना पानी भरा है, पता नहीं क्या राज है इसमें, देख सकते हैं आप। अरे ये पेड़ है भाई वो, अरे यहीं जो होता है ना यहीं होता है, ये देख पंछी देखो, ये कबूतर घूम रहे, कबूतर है, काग है, जो भी है भाई, इसी और कहीं भी नहीं, ये देखो इसमें यहाँ बैठे, तो भाई कुछ तो। और ये पूरा खेत भरा हुआ है यार, आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा खेत नहीं भरा हुआ, वहाँ पे भी नहीं भरा हुआ, कहीं भी पूरा नहीं भरा हुआ, लेकिन ये देख सकते हैं आप, तो भाई कुछ ना, देख पूरा खेत लेवल से भरा हुआ, जैसे जोड़ बन गया हो, जैसे एक श्रीनगर में डल लेक है, एक हमारे यहाँ भी डल लेक बन जाती है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं भाई, बाकी कुछ ना कुछ तो है, तभी इतना कुछ बना हुआ है यहाँ पे। तो भाई यहाँ से चल ले जल्दी से, कभी कुछ हो जाए, वैसे भी रात का टाइम हो रखा, शाम हो रखी है, बट रात होने में क्या पता क्या हो जाए, एकदम रात हो जाए, वैसे भी काला बादल आ रखा है,
देख सकते हो यहाँ पे, ये देखिए ये पंछी मैं है ना काफ़ी देर से नोटिस कर रहा हूँ, यहीं बैठे हैं, पता नहीं क्या है यहाँ पे। तो भाई ये जो चीज़ है ना, ये इनको बोलते हैं बाजरे की पूड़ी। जो बाजरा होता है ना, खाने खुने का बाजरा होता है, जो चिड़िया के आगे डलता है, पूड़ी है, मतलब कि जो भैंस के चारे वारे के लिए डाली जाती है ना, तो इसका मतलब भैंस भूखी रहेंगी, ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं से तो एडजस्ट हो ही जाता है। तो भाई काफ़ी चीज़ें देखने को मिली आज, गाय बहुत ज़्यादा हो रखी है, ठीक है, ऐसे रोड पे छोड़ देते जो दूध वगैरह नहीं देती है। देखो आप देख सकते हो कितनी गाय हो रखी है, यहाँ भी है और आगे बहुत सारी हैं, किसी दिन आपको दिखाऊंगा, बहुत सारी गाय हो रखी है और इन मतलब कि कोई केयर नहीं है ना कुछ है। और क्या होता है कई बार तो ना इनकी वजह से एक्सीडेंट भी हो जाता है, इनकी ये तो जानवर है, इनकी क्या गलती है, लेकिन रात को भाई देख नहीं पाते, लाइट कम होती है, विजिबिलिटी कम होती है और भाई इनकी वजह से ना एक्सीडेंट भी हो जाता है। भाई टाइम हुआ है, रात के बज चुके हैं 10, मैं थोड़ी देर यहाँ घर के बाहर ही ओपन जी में इसमें झूल रहा था। तो भाई व्लॉग को यही एंड करते हैं, अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।